डाइजेशन, आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रोंग है तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होती। जैसे गैस बनना है, खट्टे डकार आना है, पेट में जलन है, पेट में दर्द है, कब्ज होना है, बवासीर, भगंदर, इवन कोलोन का कैंसर, कोई भी छोटी से लेकर बड़ी बीमारी अगर किसी के शरीर में है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर कार्य कर लें, उसे स्ट्रोंग कर लें, हम जो खाएं वो पच जाए, तो आपको शुगर नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसके लिए आपको सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो माइग्रेन है या हार्ट अटैक है। हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग कैसे रखना है, उसके लिए आपने ध्यान रखना है अपनी दिनचर्या का। सुबह उठ के गुनगुना पानी जरूर पिएं, सैर जरूर करें, जब भी खाना खाएं ये ध्यान रखें कि वो खाना सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए। अगर किसी को खाना खाने के बाद गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, तो उसे रात को खाना खाने के बाद एक चम्मच जीरा जरूर लेना चाहिए। अगर आप रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो देखेंगे 15 दिन के अंदर आपकी गैस जो बनने की दिक्कत है या आपकी जो अग्नि ठीक से भोजन को पचा नहीं पा रही वो स्ट्रोंग होगी और खाना पच जाएगा। कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है जिसकी वजह से उनका जी मचलता रहता है, खट्टे डकार आते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरा पहले का खाया हुआ खाना ही नहीं पच रहा, उसके लिए आपने एक चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है रात्रि को, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा वो हेल्दी रहेगा, आपका खाना पचेगा और आप तंदुरुस्त बनेंगे। अगर आप कुछ खाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ भारीपन है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आपकी हो सकता है अग्नि मंद हो, जो अग्नि भोजन को पचाती है। उसे तीव्र करने के लिए हमें दीपन का कार्य करना चाहिए। उसमें आयुर्वेद में लिखा गया आप पिपली का यूज़ कर सकते हैं, पिपली मूल का, चव्य का, चित्रक का, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे आप जो भी भोजन करेंगे वो भोजन आसानी से पच जाएगा। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपने भोजन के अंदर अजवाइन, जीरा, सौंफ, इनका रेगुलर सेवन करें और एक स्वस्थ जीवन जिएं।